बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान वैसे तो बहुत ही नपी तुली बातें करते हैं और विवादित बयानों से बचते हैं, लेकिन कई बार मजाक में कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं जो न सिर्फ एंटी फेमिनिस्ट होती हैं बल्कि उनको कई हद तक पर्सनालिटी वाइज डाउन भी कर देती हैं। अब उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जो कि कैटरीना कैफ के साथ है और बहुत ही पुराने इंटरव्यू का है और कह सकते हैं बिहाइंड द सीन का है। जब कोई एक्टर या एक्ट्रेस किसी इंटरव्यू टीवी टॉक शो में जाते हैं तब रिलीज से पहले या फिर एडिटिंग से पहले काफ़ी सारी बातें होती हैं। कुछ बातें ऑन रिकॉर्ड होती हैं, कुछ ऑफ रिकॉर्ड होती हैं। ऑन रिकॉर्ड बातें जो होती हैं वो आप टेलीविजन शो में बाद में टेलीकास्ट के दौरान देख लेते हैं, लेकिन जो बातें ऑफ रिकॉर्ड होती हैं वो सिर्फ कैमरामैन टीम को, स्टाफ को और इंटरनल टीम को पता होता है, जिसे कास्ट एंड क्रू बोलते हैं। बहरहाल बॉलीवुड का एक टीवी शो आता है ETC पर जिसे कोमल नोहाटा एंकर करते थे। कोमल नोहाटा ने आमिर खान को कैटरीना कैफ को बुलाया धूम मूवी के प्रमोशन के दौरान इंटरव्यू करने के लिए और वहां पर बहुत सारी बातें ऑफ रिकॉर्ड हो रही हैं और कॉलर माइक लगाया जा रहा है कैटरीना कैफ के शोल्डर के पास यानी शर्ट के पास वाले कॉलर में। ये कॉलर माइक एक्चुअली जब एक्टर अपनी बात करते हैं तब बिना किसी नॉइज के उस बात को रिकॉर्ड करता है ताकि टेलीकास्ट के दौरान आपको सही आवाज़ सुनाई दे। यहाँ पर बात चल रही है कैटरीना कैफ को कहा जा रहा है कि आप कॉलर माइक इस तरफ नहीं उस तरफ लगाइए, बिकॉज जब आपके बाल उस कॉलर माइक के ऊपर आएंगे तब काफी सारा नॉइज आएगा जो कि प्रोग्राम को डिस्टर्ब करेगा। ये बात जब कोमल नाहटा पीछे से बोल रहे हैं कैटरीना कैफ को तब आमिर खान बहुत ही मस्ती के मूड में कहते हैं यार हटाओ ना बाल, यहाँ लगाओ ना, इसको यहाँ डालो ना। जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं बहुत ही कैजुअल टॉक है और काफी डबल मीनिंग वाला आता है, बिकॉज कैटरीना कोशिश कर रही है माइक को एडजस्ट करने की लेकिन आमिर खान बोल रहे हैं उधर डालो इधर से डालो, कई बार तो हाथ का इशारा भी कर रहे हैं कि यहाँ डाल इसको हटा। जब कैटरीना कैफ उनको नहीं सुनती तब वो कहते हैं यार बालों को इधर कर लो ना, तब कोमल नाहटा कहते हैं यार वो बालों को उधर कर लें तो बेटर है लेकिन माइक यहाँ पर है वहीं रहेगा बिकॉज वो नहीं हिल सकता। उसके पोजीशन को लेकर काफी मजाक चलता है बिकॉज जो कॉलर माइक होता है उसकी वायर आपके अंदर से जाती है और बैक साइड पर लगी मशीन से कनेक्ट होती है यानी इंटरनल वायरिंग करनी होती है और हो सकता है इस मामले में उनकी लेफ्ट साइड में ही वो माइक गया हो, जिस बात को कोमल नाहटा जानते हैं। और कैटरीना कैफ खुलकर बात करना नहीं चाहती हैं बिकॉज लेडीज जब कुछ इस तरह की बात करती हैं थोड़ा सा मजाकिया या फिर मिसलीडिंग हो जाता है, लेकिन आमिर खान मस्ती के मूड में और बोल रहे हैं कि आप उधर डालिए। तभी कैटरीना कैफ झल्ला जाती हैं और बोलती हैं डोंट बी पैट्रियाटिकल यानी बहुत ही ज़्यादा मेल सोविनिस्ट मत बनिए, और पैट्रियाटिकल का मतलब होता है कि आप बहुत ही ज़्यादा पुरुष वाली उत्कंठित मानसिकता के इंसान है जो कि महिलाओं को इज्जत नहीं देता और जो बात नहीं करता उसके हिसाब से होता है कि आप सिर्फ पुरुषों की बात ही मनाते हैं, महिलाओं को सम्मान या बराबरी का दर्जा नहीं देते। हालांकि कैटरीना कैफ ने जो वर्ड यूज किया काफी भारी भरकम है और आमिर खान ने बहुत कैजुअली उसको इग्नोर मार दिया, लेकिन अगर यही बात मीडिया ट्रायल पर आ जाए, हेडलाइन पर बन जाए, तब आमिर खान को काफी खरी खोटी सुननी पड़ सकती है बिकॉज जो वर्ड यूज किया कैटरीना कैफ ने वो एक्टर की पर्सनैलिटी को, उसके पूरे ऑरा को जज करता है। यहाँ भी कैटरीना ने बड़ी सादे अंदाज में आमिर खान का मुंह बंद करा दिया और एक तरह से कह दिया शट अप। अब उम्मीद है आमिर खान जब किसी एक्ट्रेस को इस तरह की बात बोलेंगे तब उनको कैटरीना कैफ का रिएक्शन याद रहेगा।